हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज भी मतलब एक सेकेंड, लाइट ऑन कर ली मैंने। हाँ, तो आज शायद नवरात्र का फोर्थ डे है मेरे ख्याल से। हाँ, और आज ही मैंने साड़ी वेयर की है, तो कभी कभी कर लेनी चाहिए, है ना कि नहीं? और अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाय, शाम का टाइम हो रहा है, क्योंकि आयु ने बोला मम्मा चाय बना दो, कभी कभी पी लेता है, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। आयु, और पता है अभी आरओ को मैंने अभी सर्विस कराई थी, और अभी क्या नाम है, हफ्ता भी नहीं हुआ और ये फिर से पानी, इतना खारा पानी देने लग गया है। उसे दोबारा बुलाया है, फिर मैंने एक बोतल खरीदी बाहर से पानी वाली। नहीं, मैंने नहीं बुलाया, जाओ यहाँ से। तो इसको आरओ वाले को मैंने बुलाया, अब देखो पता नहीं आज तो आया नहीं, अब कल आते देखते हैं, है ना। अभी हम बना रहे हैं चाय। किस किस को पीनी है? जिसको पीनी है वो जल्दी से आ जाओ। कहाँ है तू? दिख ही नहीं रहा है मुझे तो। किधर है? इधर है। मेरे छोना है। भैया कहाँ? ऊपर है। ऊपर हाँ, तो खेलता ही नहीं है। सुबह से मुझे अब फोन दिया, मैं इतनी देर से कह रही हूँ मुझे फोन दे दे, फोन दे दे, मुझे ब्लॉगिंग करनी है, नहीं दे रहा था, अब मुझे फोन दिया इसने। क्यों भाई? तो बस अब आज मेरा फास्ट नहीं है वैसे, लास्ट में जब नौवीं पुस्ती है तो अष्टमी जो होती है ना, तब मेरा फास्ट है। मैं क्या बोल जाती हूँ, मैं सोच जाती हूँ मैं क्या बोलती हूँ। है ना, तो बस चाय बना लेते हैं। क्या हो रहा है? हेलो, ऐसे सोफे की मत हटाया करो, तमीज में बैठा करो, तमीज तो है ही नहीं इस लड़के को। मैं गिर गया। मैं गिर गया। चलो से ऊपर से लेके आओ, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा। जल्दी लेके आओ। दोनों में से ना कोई काम नहीं करता मेरा, समझ में आ गई ना? फटाफट से लेके आ। आयु जल्दी जा। आयु जा, तू लेके जो मेरा प्यारा बेटा होगा वो लेकर आएगा। अब देख लो दोनों में से कौन सा प्यारा बेटा है मेरा। मैं पोछा मंगा रही हूँ मैं उनसे, कि ऊपर से पोछा, ऊपर पोछा सुखा रखा है कि पोछा लेकर आ। ये सही है, जो प्यारा बेटा है वो लेकर आओ। सही क्या? मैनू नहीं पसंद होने जीन वीन वाले वाले। कितने बर्तन बजा रहे, पूरे गाने का सत्यानाश मार दिया। बंदा रोमांस करे तो करे कहाँ से, दह बर्तन और दह बर्तन बर्तन, बर्तन आई मीन बर्तन ही नहीं बोलना आ रहा है तुम्हें तो। स्लिप ऑफ टंग, जवान फिसल गई, कहीं तुम सोच रही हो टांग फिसल गई, तुम्हारा पता नहीं है ना। सर्वोदय बाल विद्यालय, सर्वोदय बाल विद्यालय ज्यादा हो रहा है। एनीवेज गाइस, बहुत हो गया मजा। सो मैडम, क्या बना रही हैं आप आज? आप बता ही नहीं रहे हैं हम क्या बनाएं। इस क्वेश्चन पे मैंने एक वीडियो बनाया था, साला हस्बैंड की जान ऑफिस में भी यही पूछ पूछ के सुखा के रखते हैं लो भैया, क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं। ये इतना टिपिकल क्वेश्चन है ना, जिसका आंसर देना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है, नामुमकिन है, मुश्किल ना नामुमकिन है। और इस बात पे तो कई बार मैं इसको चमका देता हूँ। फिर एक कॉल आ गया। हेलो,
ये क्या कर रहा है? चीजों का बंटवारा। ये लंकिन किसकी है? कितने बजे निकलना है तुम्हें सुबह? छह बजे से पहले पहले कल मेरी मदर जा रही है गुड़गांव। कौन सी माता मंदिर है? शीतला माता मंदिर। मम्मी के पर्स में ये अपनी दादी के पर्स में देखो कैसे लग गया एक खगोर ने। ओए चिचोरे क्या कर रहा है? क्या ढूंढ रहे? दादी तुम्हारे फोन में गिर गया। दादी का फोन निकाल लिया बस में। चोरी हो गया दादी का फोन आज? सारा सामान तो मैं चोरी का पूरा पर्स काली कर दिया। ये सारा पर्स ना वापस भरना है। सुनाई दे रहा है? क्या कर रहे हो तुम? पूरा पर्स खाली कर दिया दादी का। हाय दादी का फोन और मेरा फोन चोरी हो गया। हाय चोरी हो गया बस में। अब जा जो जो सामान जाना था वहीं रखो नहीं तो पिटाई हो जाएगी। रखो जल्दी। उसके अंदर फोन कहाँ से आएगा? इतना छोटा सा पर्स है वो। अरे उसमें पर्ची है सारी। बेटा उसमें फोन नहीं आएगा। मेरे सारे सामान रखो जहाँ से निकाला है। चलो अरे तुम्हारी दवाई भी ऑर्डर कर दी मैंने। कर दी वो 1600 रुपए बोल रहे थे। हाँ। मैंने कहा कि हमारी मदद ने कॉल किया था सर तो 1200 कह रही सर 1200 का तो हो ही नहीं सकता। 10% का डिस्काउंट लगा के 1440 रुपए की बैठती है। अच्छा। तो मैंने उनको बोल दिया भेज दो वो 1440 रुपए के हिसाब से। हाँ। 3 दिन में तुम्हारी दवाई रिसीव हो जाएगी। क्या कर रहा है? तेरी मम्मी को इधर घुटनों में थोड़ा पेन देता है उसके लिए बोनसिया मंगवाया हमने हकीम सुलेमानी दवाखानी से। बनती नहीं सास बहूंगी कभी क्योंकि सास भी कभी। एक गाना कुछ ऐसे ही था बट इसको थोड़ा सा चेंज करके एकता कपूर जी ने दिखा दिया। दादी को देखे फाइट कर ली है इस टाइम। ये लड़के तू परेशान कर रहा है। पेट के लग गया सच्ची में। साथ दवाइयां वाइयां की पर्ची वर्ची पता नहीं क्या कर रहा है ये लड़का। मेरे घर में ये सब चलता रहता है। ला दे दवाई। मैडम तुम प्रैंक और ब्लॉगिंग सब मुझसे करवाओ। ये रख दो मैं एक हेलमेट ला के देता हूँ जिसके आगे फोन लग जाया करेगा। वो हेलमेट पहन के घूमा करना ब्लॉगिंग होती रहेगी। लेवर नहीं होती लेवर पीला पीला था हेलमेट पहनती है वैसा हेलमेट होगा वो। चलो गाइस खाना वाना बनने देते हैं। और भैया आप तो घर में कतई त्योहार सा बन रहा है मटर पनीर बनना हो घर में। वैसे भी बनता नहीं है क्या मटर पनीर? बनाने के लिए अभी अभी मैडम ने जो है यूट्यूब पे निशा मधुली का जो है जो बिना प्याज लहसुन के खाना बनाती है उनकी रेसिपी एक देखिए देन उसके बाद बना रही है क्योंकि बेसिकली मैडम बिना प्याज लहसुन के खाना नहीं बना पाती। और ये क्या हम भी नहीं बना पाते मतलब बिना प्याज लहसुन के खाना टेस्ट नहीं आता। तो मैंने देखा कि चलो कुछ हटके कुछ अलग डिफरेंट बना रही हूँ तो इसलिए एक बार देख लिया। तो निशा मधुलिका जी जो है वो उनका प्रमोशन क्यों कर रहा हूँ मैं यहाँ पे।
वो बिना प्याज लहसुन के बनाती है। नहीं खाना बहुत अच्छा, मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ, कुछ ऐसा देखूं। हां तो हम प्रमोशन क्यों कर रहे हैं, वो पैसे थोड़ी देंगे। नहीं प्रमोशन क्या हुआ, हम उनके प्रमोशन ही नहीं करते, तो उनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं। वो हमारा कर दे। वो हमारा करेंगे नहीं। अच्छा साथ में क्या हुआ, रोटी या चावल? मैं खाऊं तो खाऊं, थोड़ा थोड़ा सब मिल जाता तो थोड़ा मजा आ जाता। नीचे क्या देख रही थी? मुझे दिख रहा है उधर। अच्छा ओहो, हींग पिंग का चटकारा डाला जा रहा है कतई सब्जी में आज तो। और लगा आपको आज का मेरा ये ब्लॉग है? और मैं अपनी फेवरेट टी-शर्ट और फेवरेट पजामे में। तो बस हमने खाना वाना खा चुके हैं, सब कुछ फ्री हो चुके हैं, खाना भी मैंने बना लिया है, सारा कुछ हो चुका है, अब बस सोने की तैयारी हो रही है। मैं करूंगा तेरे को रात भर इग्नोर। सो जाए। आज मैंने इनको जो किया है ना, मजा आया। आपको आया कि नहीं आया जरूर बताना मुझे। तो अंजलि तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में या वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बाय। और जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट।